नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल डेली में। जी हां फ्रेंड, बहुत बड़ी अपडेट आ रही है फ्रेंड्स। आरआरबी जेई 2018 से निकल के रहे। जी हां फ्रेंड, जेई भर्ती से निकल के रहे। जी हां फ्रेंड, जेई भर्ती का आप लोगों प्रोविजनल लिस्ट आउट हो चुका है। बहुत से कैंडिडेट में सिलेक्शन पाए। चलिए देख लेते हैं इसके रिगार्डिंग ऑफिशियल नोटिस। देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिस इसके रिगार्डिंग आ चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस फ्रेंड, जो जेई का जो पैनल लिस्ट है रिलीज हो चुका है, यानी जेई का जो प्रोविजनल पैनलिस्ट आउट हो चुका है। बहुत से कैंडिडेट में सिलेक्शन पाए फ्रेंड, जो इनके फ्रेंड्स आप लोगों को जो चीफ मतलब पर्सनल ऑफिसर जो प्रोविजनल लेटर आप लोगों को जो लेटर है चीफ पर्सनल ऑफिसर यानी चीफ पर्सनल ऑफिसर को सेंड कर दिया जाए, आप लोगों को जल्दी वहां से अपॉइंटमेंट या ऑफर लेटर मिल सकता है। बहुत सारे पोस्ट में यानी डिपो विपो में सभी में कैंडिडेट सिलेक्शन पाए। चलिए देखते हैं इसकी रिगार्डिंग ऑफिशियल नोटिस ऑफिशियल वेबसाइट। इससे पहले फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर नए गए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो में रेगुलर इंटरव्यू पर लिखा। तो चलिए फ्रेंड चलते ऑफिशियल नोटिस की ओर। ऑफिशियल नोटिस देखने सबसे पहले फ्रेंड्स आपको रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड भुवनेश्वर को ऑफिशियल वेबसाइट पर आना पड़ेगा। जी हाँ फ्रेंड, जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पर आए तो फ्रेंड आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना, देख सकते हैं। जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करना, देखिए 12 तारीख डेट में एक नोटिस आई, देख सकते हैं आप लोग साफ तौर पर। 12 तारीख डेट में 12 यानी कल के डेट में देखिए ये नोटिस आई। चलिए देख लेते हैं क्या है। सेल नंबर 03/2018 यानी जेई और डीएमएस। चलिए देखते हैं प्रोविजनल पैनल फॉर वेरियस पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियरिंग एंड डेपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट। चलिए इसको क्लिक कर लेते हैं, देखते हैं क्या प्रोविजनल लिस्ट में आया हुआ। चलिए इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड, जैसा कि मैंने ऑफिशियल नोटिस डाउनलोड कर लिया, देख सकते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट भुवनेश्वर। जी हाँ फ्रेंड, देखिए प्रोविजनल पैनल फॉर वेरियस पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियरिंग एंड डेपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट ऑफ सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नंबर 03/2018 पैनल सेंड। जी हाँ फ्रेंड, देखिए वो जो पैनल लिस्ट चीफ पर्सनल ऑफिसर सेंड, देख सकते प्रिंसिपल यानी पैनल सेंड टू प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर ईस्ट कोस्ट रेलवे यानी ECR रेल सदन चंद्रशेखरपुर भुवनेश्वर पिन कोड ये फ्रेंड। देखिए पैनल डेट आप लोग का यानी कल के डेट में ये पैनल है। चलिए देख लेते क्या नोटिस के रिगार्डिंग। तो देख सकते प्रोविजनली लिस्ट आप लोग को आ गया। देख सकते प्रोविजनल पैनल फॉर द पोस्ट ऑफ जेई यानी जूनियर इंजीनियरिंग ब्रिज अंडर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट कैटेगरी नंबर 1 में देखिए इसमें 2 कैंडिडेट ने सिलेक्शन पाया। एक देखिए OBC से और एक फ्रेंड्स SC कैंडिडेट। यहाँ पर देखिए आपको रोल नंबर दिखाएगा, यहाँ पे फ्रेंड देखिए आपका रैंक दिखाएगा, फिर यहाँ पे आपको देखिए कैंडिडेट नेम और फादर नेम दोनों दिखाएगा, फिर यहाँ डेट ऑफ बर्थ आप लोगों को दिखाया जाएगा। यहाँ पे कम्युनिटी किस में आप लोग ऑप्ट किया था, किस में आदि के मेरिट इंडिक्स कितना आप लोगों को नंबर्स में अपने कैटेगरी में आप लोगों ने पाए। वहीं पॉइंट नंबर 2 की बात करो, देखिए प्रोविजनल पैनल लिस्ट आपका जूनियर इंजीनियर जो कि फ्रेंड सिविल है, जो कि डिजाइन एंड ड्राइंग एंड एस्टिमेशन अंडर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो कैटेगरी नंबर 2 है, तो इसमें देखिए लगभग 24 कैंडिडेट ने सिलेक्शन पाया। तो यहाँ पे देखिए आपका रैंक दिया हुआ, जो देखिए जनरल कैटेगरी में 1 नंबर रैंक फ्रेंड्स, इस कैंडिडेट का रोल नंबर या जनरल कैटेगरी में देखिए इस मतलब पूरा आपका कैटेगरी वाइज पूरा रैंक आपको दिखाया जाए, किस में कितना नंबर पाए, आपका रोल नंबर दिखाया, यहाँ आप कैंडिडेट नेम फादर नेम आप दिखाएगा, फ्रेंड आपका डेट ऑफ बर्थ दिखिए यहाँ पे मैंसन किया, आप लोग चेक कर सकते हैं अपना लिस्ट में आपका कम्युनिटी कौन सा हुआ है फ्रेंड्स, आप लोग कितना मेरिट इंडेक्स मतलब कितना नंबर आप लोग लाए, तो सारा कुछ यहाँ पर मैंसन क्लियर लिए। चलिए बात करते कैटेगरी नंबर 3 में। तो कैटेगरी नंबर 3 में देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स प्रोविजनल पैनल फॉर वेरियस पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर डेपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 03/2018 पैनल सेंड आप लोग जो चीफ पर्सनल ऑफिसर को सेंड कर दिया जो चंद्रशेखरपुर। तो यहाँ पर देखिए सारा कुछ मेंशन किया। चलिए बात कर लेते कैटेगरी नंबर 3 में। तो कैटेगरी नंबर 3 में देखिए फ्रेंड्स आप लोग का यहाँ पे कैटेगरी नंबर 3 में देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स जो है वे अंडर इंजीनियरिंग यानी जूनियर इंजीनियर के ये भी जो है इसमें कैटेगरी देखिए पोस्ट आपका पी वे अंडर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो कैटेगरी नंबर 3 में, तो इसमें भी देखिए लगभग 39 कैंडिडेट ने सिलेक्शन पाया। तो इसी तरह से सारा कैटेगरी यहाँ पे मेंशन किया गया, फिर यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 39 कैंडिडेट ने इसमें सिलेक्शन पाया हुआ। कैटेगरी नंबर फ्रेंड 12 की बात करें तो कैटेगरी नंबर 12 में देखिए फ्रेंड्स आपका वर्क अंडर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को जो है पोस्ट का नाम है फ्रेंड्स में कैटेगरी नंबर 12, इसमें कैंडिडेट सिलेक्शन पाए जो कि 28 कैंडिडेट ने इसमें सिलेक्शन पाया। तो यहाँ पर देख सके अपना यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोग नाम चेक कर सकते, रोल नंबर फादर नेम और कैंडिडेट ने डेट ऑफ बर्थ कैटेगरी नंबर और मार्क भी साइड में आप लोगों को मेंशन किया, तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप लोग मार्क अपना यहाँ से चेक कर सकते। नेक्स्ट पोस्ट की बात करो, नेक्स्ट पोस्ट में फ्रेंड देखिए कैटेगरी नंबर 14 की कैटेगरी नंबर 14 जो कि पोस्ट है फ्रेंड्स आपका पोस्ट की बात करें तो फ्रेंड पोस्ट आपका फ्रेंड देख सकते हैं ट्रैक मशीन अंडर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट यानी ट्रैक मशीन का ये पोस्ट है, तो इसमें देखिए लगभग 39 कैंडिडेट ने सिलेक्शन पाया। मैं छठी की बात करें तो फ्रेंड देखिए कैटेगरी नंबर 15 यानी यहाँ देखिए कैरेज एंड वैगन अंडर मैकेनिकल डिपार्टमेंट यानी मैकेनिकल डिपार्टमेंट कैरेज डिपार्टमेंट का, तो इसमें देखिए लगभग 13 कैंडिडेट ने इसमें सिलेक्शन पाया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो नेक्स्ट पोस्ट में देखिए कैटेगरी नंबर है फ्रेंड्स 18 जो कि पोस्ट का नाम मैकेनिकल वर्कशॉप अंडर मैकेनिकल डिपार्टमेंट यानी वर्कशॉप का मैकेनिकल डिपार्टमेंट, तो इसमें लगभग 6 कैंडिडेट ने इंपैनल यानी सिलेक्शन पाया। देखिए यहाँ पे आप लोग को सारा कुछ मेन नाम मेंशन किया, आप लोग यहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं।
इस कैटेगरी की बात करें तो फ्रेंड कैटेगरी नंबर जो 42 यानी 42, जिसमें पोस्ट का नाम फिल देखिए इलेक्ट्रिकल डिजाइन एंड ड्राइंग एस्टिमेशन अंडर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का, तो इसमें देखिए लगभग 6 कैंडिडेट ने सिलेक्शन पाया था, देखिए यहाँ पे आपको मेंशन किया गया। नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें तो फिर नेक्स्ट कैटेगरी आपको है कैटेगरी नंबर 44, जो कि पोस्ट का नाम है इलेक्ट्रिकल जनरल सर्विस अंडर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट यानी जनरल सर्विस इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, तो इसमें देखिए लगभग 23 कैंडिडेट ने सिलेक्शन पाया था, देख सकते हैं 23 कैंडिडेट का यहाँ पे नाम कैटेगरी वाइज या किस कैटेगरी में इनका सिलेक्शन होता है। देखिए लास्ट कैंडिडेट जो ओबीसी में इनका जो नंबर है 448 यानी 478 में इनका सिलेक्शन होने। नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें तो कैटेगरी नंबर है 53, जो कि फ्रेंड है इलेक्ट्रिकल टीआरडी अंडर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, तो इसमें देखिए लगभग 21 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, देख सकते हैं। लास्ट जो कैंडिडेट सेलेक्टेड हुआ वो फ्रेंड एससी ईएसएम का यानी एक सर्विस मैन का, तो इसमें देखिए 429 नंबर इन्होंने लाया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की, नेक्स्ट कैटेगरी नंबर है 54, जो कि पोस्ट का नाम है इलेक्ट्रिकल टीआरएस अंदर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, तो इसमें भी देखिए लगभग 10 कैंडिडेट ने सिलेक्शन पाया है। तो आप लोग देख सकते हैं सारा को उसमें मेंशन किया, तो बहुत अच्छे आपसे अपने जो कैंडिडेट इसमें प्रोविजनल लिस्ट में अपना नाम जरूर यहाँ चेक कर। कैटेगरी नंबर 56 में देखिए सिर्फ एक ही कैंडिडेट ने सिलेक्शन पाया, जो कि एसएनटी डिज़ाइन एंड ड्राइंग एस्टिमेशन, जो कि एक ही कैंडिडेट ने सिर्फ सिलेक्शन पाया, जो कि जनरल कैटेगरी में इनका नंबर है 715। नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें कैटेगरी नंबर देखिए आपका 63 है, जिसमें फ्रेंड्स आपका एसएनटी सिग्नल अंडर एसएनटी डिपार्टमेंट, तो इसमें देखिए लगभग 10 कैंडिडेट ने इंपैनल यानी सिलेक्शन पाया, तो देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग का नाम रोल नंबर मेंशन सब कुछ आप लोग का क्लियरली मेंशन किया, देख सकते हैं सारा कैटेगरी। फ्रेंड बात करें लास्ट कैटेगरी की, लास्ट कैटेगरी नंबर देखिए आपको कैटेगरी नंबर 67, जिसमें पोस्ट का नाम है फ्रेंड देखिए डेपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट अंडर स्टोर डिपार्टमेंट, तो इसमें देखो 60 कैंडिडेट ने सिलेक्शन पाया, तो देख सकते हैं यहाँ आपको रैंक दिखाएगा, रोल नंबर, कैंडिडेट नेम, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, कम्युनिटी रिलेटेड, मार्क कितना पाए, तो ये देख सारा कुछ उसमें मेंशन किया। तो बहुत ही अच्छी खबर फ्रेंड निकल के आ रही कि जिन जो जेई का जो प्रोविजनल पैनलिस्ट आउट हो गया, आप लोग को जो लेटर फ्रेंड चीफ पर्सनल ऑफिसर को सेंड कर दिए, आप लोग वहाँ से जल्दी ऑफर या ज्वाइन लेटर मिल जाए। तो फ्रेंड बहुत ही अच्छी खबर आप लोग की, बस फ्रेंड आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद, नमस्कार फ्रेंड्स।